ये जो 24th क्वेश्चन है ये तो आप आराम से कर लोगे। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड। इज इट ओके? ये तो क्लियर है सबको। ये जो क्वेश्चन है ना, ये और इससे अगले वाला पूरा नहीं है, नेक्स्ट पेज पे। ये जब भी आता है सब छूट गया। क्वेश्चन क्या है देखो, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। Al3 + Cl- will give Al Cl4 -। पहले तो आप सारे मुझे AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दीजिए। वो Q8 वाली नहीं, दूसरी वाली आती है, ये करके दिखाऊं? मैं करके दिखा के, अच्छा इधर देख लो, इधर देखो, छोड़ दो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बॉक्सेस डाल, मैं करके दिखा रहा हूँ, लीव इट। हमें निकालनी है किसकी, इधर देखो, AlCl3। सेंट्रल एटम कौन है? इट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। How many valence electron? ये है 3s2, यहाँ बना है, ये 3s2, 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 3p में कितनी? 3p में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? अब अनपेड कितने हैं? कोई ऐसा है जो लास्ट क्लास में छुट्टी पे हो, जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था, कितने अनपेड है? बॉन्ड कितने बनाने हैं? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे, अब ये हो गया, इधर कितने हो गए? इधर हो गए 1, इधर कितने हो गए? 1। ये क्या है? एक्साइटेड। तुमने पूरा लिखना है, ईएस नहीं लिखना, टीचर को नहीं सुनाएगा ईएस। अब कितने क्लोरीन है? 3। एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया, ये एस ऑर्बिटल, और ये कितने एस के यूज हुए? पी के कितने यूज हुए? sp2 की शेप, sp2 की शेप ट्राइटनर लेना, ये ट्राइग्नर प्लेनर बन गया, एंगल 120, ट्राइग्नर बात समझ आएगी, यहां तक क्लियर है? इसको AlCl3 को उतारो, वो हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। पहले मैं एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, फिर थर्ड टाइप करा दूं, एक टाइप रहती है, जब हाइब्रिडेशन पूरी खत्म हो जाएगी लास्ट में वो क्वेश्चन करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप मुझे करके दिखाइए क्वेश्चन MgH2, फ्री MgH2 क्या है? MgH2 सेंट्रल एटम कौन है? Mg 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये आपका 3s2 हो गया, ये 3p हो गया, ग्राउंड स्टेट क्या हो गए? ये हम पहले एक्साइटेड स्टेट बना देते हैं, ग्राउंड स्टेट 3s2, ये क्या है? 3s, और ये क्या है? 3p, what is this? अब हो गया एक्साइटेड स्टेट। कितने अनपेड है?
बॉन्ड कितने बनाने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा कितने अनपेड हो गए, दोनों में एक क्या लग जाएगा, ये ऐसा ही बड़ा बेटा जी एसपी शेप क्या होगी, एंगल 180 पूरा लिखना सर, पूरा लिखने के बाद भी टीचर नंबर काट लेता है, थोड़ा लिखोगे तो पता नहीं क्या करेगा, तो दबाना चाहिए कुछ भी, बोलिए ये वाला क्लियर। अब एक और किया था हमने, टाइप टू में किया था हमने, किया था PCl5, करिए PCl5, फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अभी हमने ऑर्बिटल चुना दिए, ये 3s, ये 3p, ये 3, दो बार बना देते हैं, एक ग्राउंड स्टेट की और एक साइड स्टेट। थ्री पी में 3, 3d में 5, ये 3s, 3p, 3d, एक मिनट बेटा मैं दस रहे हैं, 3s, 3p, 3d, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइड स्टेट, 3s2, 3p3, बताइए कितने अनपेड हैं सर, कितने अनपेड हैं, बॉन्ड कितने बनाने हैं, तो ये आ गए जो 3s का, जब ये आगे जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, हो गया कितने अनपेड हो गए, यहाँ पे पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पहला बोलो, समझ आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, क्या sp3d, शेप ट्राइगनल, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ये नीचे ट्रायंगल है, ऊपर क्या है, तो ऊपर एक सीएल है, नीचे एक सीएल, ये पीसीएल फाइव दिख रहा है, इसमें दो तरह के बॉन्ड है, एक है जो ट्रायंगल में है, दिख रहे हैं कितने हैं ट्रायंगल में, 3, उन्हें बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं, दो हैं वर्टिकल बॉन्ड्स, वर्टिकल बॉन्ड बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लिखो इन पीसीएल फाइव देर आर 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स,
and two axial bonds. Comma. Axial bonds are longer in size due to more repulsions. जो नेट रिजल्टेंट है एक्सियल बॉन्ड्स का, एक्सियल बॉन्ड बड़े बड़े दिखाने हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड थोड़े से छोटे दिखा सकते हैं। स्टार लगा लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आता है। देखो बस यहां सर्च करना पड़ेगा कहां लिखा गया है, पर मिलेगा तुम्हें यहीं पे, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। दोनों सर आपको भी दूसरी ये रहा 38 बड़ो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में 38 आधा पार्ट तो पहले कर लिया हमने पीसीएल फाइव वाला हाइब्रिडाइजेशन का, सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। चलिए सर आगे, अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक टाइप रह गई थी हमारी, हमने टाइप वन टाइप टू भी कर ली, वो स्पेशल टाइप्स भी कर ली, एक रह दी थी लोन पेयर वाली। कौन सी? लोन पेयर वाली। अब हम लोन पेयर वाली करने लगे जिसे हम टाइप थ्री कह सकते हैं, फोर फाइव तो हम पहले कर चुके हैं। इसमें आते हैं लोन पेयर। अब लोन पेयर में सबसे इजी एग्जांपल है एनएच थ्री का, किसका? एनएच थ्री। सेंट्रल एटम कौन है? एन, वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री। सर इसको ना हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, वाटर का भी क्वेश्चन साथ ही करना है, उसमें भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 1s2 2s2 2p3। अब बॉक्सेस बना देते हैं, 1s तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, 2s2 और ये 2p3, ये है 3s2 और ये 2p3। कितने अनपेड हैं? बॉन्ड भी कितने बनाने तो भैया, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों यहाँ लगा दी, ये तीनों क्या लग गए, ये क्या था S और ये क्या था। अब इसमें P3 तो यूज हो रहा है पर वैलेंस का S लेना पड़ेगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3। क्या बनेगी? ये जो वैलेंस का ये लेना पड़ेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3। sp3 क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्रा में तो चार होते हैं पर यहां तो ये तीन है, तो तीन हाइड्रोजन हो गए, एक लोन पेयर। कौन से वाला? ये वाला लोन पेयर है, ठीक है। शेप क्या होगी? डिस्ट्रॉटेड टेट्राहेड्रल। समझो सर, अभी क्वेश्चन और कर कंपैरिजन में। बोलो समझ आया है? प्रभनूर नू नहीं आया, की डिफिकल्टी है बेटा। सेंट्रल एटम कौन? कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2
आप बॉक्सेस बनाते हैं, ये प्रोवेस टू थोड़ा नीचे कर two, 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 two,
तो दोनों पे हाइड्रोजन लग जाएगा। कितने बॉन्ड पेयर? दो। लोन पेयर भी कितने हैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी इसकी? ये लोगे कि नहीं? सर लेने पड़ेंगे ना, बैलेंस के तो लेने ही पड़ेंगे। ये एस है और ये पी के कितने हैं? ये भी एस पी थ्री बने। क्या बनेगा? एस पी थ्री। ये ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसमें लोन पेयर कितने हैं? इसकी शेप भी पर रियलिटी में यहां पे एंगल होता है 107 डिग्री और यहां पे होता है 104 डिग्री 28 मिनट्स। किसका एंगल छोटा है? वाटर का। वाटर एंगल छोटा है। ओ भैया ध्यान से देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिखाऊंगा। किसमें एंगल छोटा है? पेपर में आएगा। क्यों? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वाटर में एंगल अमोनिया से छोटा क्यों होता है। सबसे सर हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर की, फिर और सबसे कम। तो यहाँ पे वाटर में कौन सी रिपल्शंस हैं जिसके कारण रिपल्शंस बढ़ जाती हैं? बॉन्ड पेयर का एंगल छोटा हो जाता है। जबकि अमोनिया में कौन सी रिपल्शंस हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, जिसकी रिपल्शन कम है, एंगल कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। तो समझ आया है सर? चेकअप देख के बताएंगे। अब बोल भाई। हाँ जी, क्या पढ़ा था? सबसे ज्यादा रिपल्शन किसकी? वाटर में लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। कौन से रिपल्शन हो गई? लोन पेयर होंगे तो रिपल्शन ज्यादा है, वो एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर वो एंगल बड़ा होगा तो कोई और एंगल छोटा हो जाएगा। कौन सा एंगल छोटा हो गया? कितना रह गया? 104 डिग्री 28 मिनट। होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। पर एंगल तो अमोनियम पे भी छोटा हुआ, वहां पे कौन सी रिपल्शन है? तो इधर देखना, ये कौन सी है? ये कौन है? कौन सी रिपल्शन है? ये वीकर होती है। किससे? लोन पे से वीकर होंगी तो ये एंगल कम बड़ा हुआ। अगर ये कम बड़ा होगा तो ये छोटा, इसीलिए कितना एंगल है? तो किसमें रिपल्शन ज्यादा है? कौन सी है? लोन पेयर का एंगल बड़ा हो गया, सो बॉन्ड पेयर का एंगल छोटा हुआ। तो इसमें भी बट कम हुआ, क्यों? कौन वीकर है? लोन पेयर। वो समझ आया है? ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले की स्वाद नहीं है। रीड क्वेश्चन नंबर 8। ऑल द ज्योमेट्रीज ऑफ अमोनिया एंड वाटर आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज व्हाट? बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, डिस्कस। समझ आ गया? लिखो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो अभी बनाया आपने। रीजनिंग लिखानी पड़ेगी या समझ आ गई? अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है सर? चले आगे।
अब एक और कराने लगा हूं, ये भी इंग्लिश में है। बच्चे कह रहे हैं इसकी रीजनिंग लिखवा दीजिए, लिखा दीजिए। इन वॉटर देर आर टू लोन पेयर्स, इन वॉटर देर आर टू लोन पेयर्स, सो लोन पेयर रिपल्शंस आर मोर लोन पे रिपल्शन आर मोर, सो द एंगल इन वॉटर बिकम स्मॉलर, सो द एंगल इन वॉटर बिकम स्मॉलर, दैट इज 1.25 degree 28 minutes। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अमोनिया there is only one lone pair, the repulsions will be lone pair bond pair, which is weaker, so angle will be larger, नीचे एक लाइन छोड़ के बड़ा बड़ा लिखो, lone pair repulsions are greater than lone pair bond pair. इसको अंडरलाइन कर दो भैया, डायग्राम तुमने बना दिए, रीजन तुमने अलग से भी लिख दिया, अब नहीं टीचर नंबर काट सकता, हो सकता है टीचर तुम्हारा पैराग्राफी ना पढ़े। पहली बात, बहुत कम बच्चे डायग्राम जोन आएंगे, और जिस बच्चे को डायग्राम आता है, जिसको ये पता है कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है किससे, तुमने एंगल भी लिख दिया, तो ये कुछ अच्छे बच्चों के आंसर्स में से एक होगा। आइए अब हम करने लगे हैं, हमारा हाइब्रिडेशन खत्म हो गई है, अब टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो हाइब्रिडेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पढ़िए, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आएगी पेपर में। वो कहता है CH4 स्केयर प्लेनर क्यों नहीं है, स्केयर प्लेनर भी एक ज्योमेट्री होती है, स्केयर प्लेनर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है DSP2 की, इसकी होती है DSP2 इज स्केयर प्लेनर, स्केयर प्लेनर ऐसा होता है AB4। स्केयर बन गया ये, ऑल एंगल्स आर 90 degree, ऑल एंगल्स आर 90 degree, ये कौन सी हाइब्रिडेशन पे होती है, DSP2। DSP2 में कितने ऑर्बिटल है, 4, तो वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि CH4 टेट्राहेड्रल क्यों, टेट्राहेड्रल है DSP2 क्यों नहीं है। मैं आपको CH4 की बना के दिखाता हूं, CH4 सेंट्रल एटम 1s2 2s2 2p2, ये हो गया 2s2,
ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट, ये आपका है 2s, s और ये 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, 2p में दो, बॉन्ड कितने बनाने हैं CH4 में, क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दें, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, कितने अनपेयर्ड हो गए, चार रुपए की कार्डिगन लग गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp3 आ गई, sp3 आ गई, व्हाट इज sp3, sp3 इज टेट्राहेड्रल, पहले तो आप इस बात का आंसर दोगे, ये CH4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो टेट्राहेड्रल होता है और उसमें एंगल 109 डिग्री, एक पार्ट तो ये खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो स्केयर प्लेनर क्यों नहीं, स्केयर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, ओ भैया कार्बन के पास डी नहीं होता, तो डी है कहां, 1s2 2s2 2p यूज कर रहे हैं, 2 में डी एग्जिस्ट ही नहीं करता, डी कहां से शुरू होता है, 3 से, कहां से शुरू होता है, कार्बन के पास क्या नहीं है, तो कहां से sp2 बना, तो बात समझ आ रही है, आप क्या बोलोगे, कार्बन इज 1s2 2s2 2p2, कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल ना होने के कारण वो sp2 बना ही नहीं सकता, डी बना नहीं सकता, इसलिए उसे क्या बनाना पड़ता है, sp3, sp3 क्या होता है, उसे डी वैसे ही नहीं, डी पिछला ऑर्बिटल है, पहले डी लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिख रहे, पहले लिख रहे हैं, वो सर ये कंपाउंड से जाके बनेंगे प्लस टू में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्लस टू, वो तो उसने तंग करने के लिए क्वेश्चन घुसा डाला, तुम्हें फंसा डाला, अब ये क्वेश्चन पूरी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें आती है, टीचर तुम्हें फंसा देंगे, तुमने तो कहां से डाला, एनसीईआरटी से डाला, आसान तरीका क्या समझा रहा हूँ, क्या लिखना है, कार्बन हैज अ कॉन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p2, कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एंड 2 डी डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट कैन नॉट फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट कैन नॉट बी अ स्केयर प्लेनर, इट शुड बी टेट्राहेड्रल, काम मुश्किल है, पढ़ा हुआ सब कुछ, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, सर जिस दिन पेपर में आएगा सारी क्लास छोड़ के आएगी, पूछ लेना, तुम्हें डाउट हो ना ये क्वेश्चन अभी कर ले जाओ स्कूल में, क्लास का जो सबसे बड़ा टॉपर है ना उससे पूछ लो, और बड़े कम चांसेस है वो कर पाएगा, बात समझ आ रही है, कराएगा तो टीचर भी, तो पेपर में बता दे, उतारो इसे, लिखो जी, कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, कार्बन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, सो सो इट कैन नॉट फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन, cannot form sp2 hybridization, which is square plane. Next paragraph, carbon can show sp3 hybridization
विच इज टेट्राहेड्रल, विच इज टेट्राहेड्रल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बन डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, अंडरलाइन करो, टीचर को दिखाना है ये, इसी के नंबर है मैक्सिमम, कार्बन डू नॉट हैव, और ये स्क्वायर प्लेनर बनाओ और इसके आगे लिखो DSP2, स्क्वायर प्लेनर, वेकेंट में खाली, उसके बाद डी नहीं है, डी नहीं होंगे तो खाली कैसे होंगे, तुम्हें याद है हमने SP3D2 किया, PCl5 किया था, बोलो PCl5, PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, SP3D, डी खाली पड़े हुए थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया और क्या हाइब्रिडाइजेशन बना दी, SP3D, डी कैसे यूज किया, ओ भैया था तभी यूज किया ना, 3 में डी होता है, 2 में डी होता ही नहीं, कहां भेजे, नहीं समझ आई बात, सर PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, SP3D, डी तुमने कैसे यूज कर लिया, भैया खाली पड़ा था, चाहिए था, यूज कर लिया, कार्बन में हम डी क्यों नहीं यूज कर सकते, 2 में डी होता ही नहीं, 2 में तुमने डी कहां पड़ा, तो वही तो बोल रहे कि कार्बन डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, सो इट कैन ओनली शो SP3, SP3 इज व्हाट, तो क्या नहीं बना सकता, स्केयर प्लेनर नहीं बना सकता, वैसे इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, इसमें डी पहले वाला है, तो इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन पीछे जाने चाहिए, वो फिर पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगती है कि इलेक्ट्रॉन पीछे क्यों गए, वो पूरा एक आर्टिकल है, ये तो कान खींचना होता है, दादी उनका क्या किया, अच्छे अच्छे वाले टीचर बच्चे क्वेश्चन नहीं कर सकते, वाला बोलिए समझ आया है, आइए और करा दें कि 2-3 छोड़ दूं जो पेपर में आने, बोलो वो कह रहा है AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा जब वो Cl नेगेटिव से बॉन्ड बना लेगा, अब सुनो ध्यान से, तुमने AlCl3 पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, Al1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये ग्राउंड से, ये एक्सेप्टर से, अब 3s2 में दो है, 3p में एक है, बॉन्ड कितने बनाने हैं, अनपेड भी कितने होने चाहिए, 3, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गया, ये जब इलेक्ट्रॉन आगे गया तो कितने अनपेड हो गए, 3 हो गए, तीनों पे क्या लग गया, एक ये है एस और ये व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, SP2, SP2 is what? Trigonal planar. SP2 is trigonal. 120 degree trigonal. अब ये तो हो गया AlCl3. अब आ गया Cl negative. क्लोरीन के पास कितने वैलेंस होते हैं? 7. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. वैलेंस कितने हैं? 7. ये क्लोरीन भाई साहब आए, क्लोरीन नेगेटिव. इन्होंने अपना लोन पे रेजर दे दिया इस खाली ऑर्बिटल में. जो लोन पेयर देता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलती, जो लोन पेयर लेता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बदलती है. लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दो ही होते, कोई दिक्कत नहीं है.
ये एरो का मतलब है क्लोरीन ने क्या दिया, ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है उसने सीएल नेगेटिव लिखा है, देखो पढ़ो, मैंने भी सीएल नेगेटिव लिया है, सीएल नेगेटिव ने अपना लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर जो लोन पेयर दे रहा है, एक लोन पेयर देगा दूसरा लोन पेयर लेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द सेम एटम। जनरली बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन आपका, आप नीचे गए कोल्ड ड्रिंक पीनी थी या बीच में दूड़ा बीच में बैठा था कोल्ड ड्रिंक पी लेते, कई बार ऐसा भी होता है 40 रुपए एक ही दे देता है, ऐसा तुम पी के ही आते हो गे पिला के आते हो, दोस्ती में तो बराबर ही होती है, आधे पैसे तेरे आधे मेरे, बट कई बार सामने वाले के पास नहीं होते, कई बार आप दोनों के पैसे भी देते। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था रेड वाले केस में, बट यहाँ एक स्पेशल बॉन्ड बना, यहाँ पे किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, एल्युमिनियम के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, सीएल नेगेटिव ने, कहाँ लिए एल्युमिनियम में, तीसरे पी ऑर्बिटल में लिए। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, अब क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई सर, AlCl4 negative, ये वाला ऑर्बिटल भी यूज हो गया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp3, व्हाट इज द शेप, टेट्राहेड्रल, आपको ये नहीं आप ऐसे दिखाएंगे, चार क्यों नहीं, चाहे तो आप बाहर नेगेटिव चार्ज लगा दें, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल पे, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हटा दो, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया और इधर इस वाले क्लोरीन ने अपना लोन पे किया, तो जो आपको अच्छा लगे, एंगल परफेक्ट होगा, एंगल क्या होगा, सारे एंगल सारे बराबर होंगे, है तो दो इलेक्ट्रॉन, वो समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, पक्का, तो सबसे वैसे बेस्ट होता वाला, चारों में से चारों आइडेंटिकल है, हमें फर्क नहीं पड़ता, व्हाट विल बी द एंगल, तो व्हाट इज द, किसकी हाइब्रिडाइजेशन बदलती है, लोन पेयर देने वाले की के लोन पेयर लेने वाले, क्योंकि उसको अपने ऑर्बिटल में लेना हो, देने वाला तो उसके देने वाले के पास तो पहले भी लोन पेयर पड़ा हो, दे देगा भैया, लेने वाले को फर्क पड़ा, तो बोलिए समझ आया है, अब ये सारा बना लो फिर मैं इंग्लिश लिखवा, और अपने दिल से बोल लेना अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, सर जो AlCl3 है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp2 विच इज ट्राइग्नल प्लेनर, सीएल नेगेटिव आ गया बॉन्ड बनाने के लिए, किसके पास आया, AlCl3 के पास, एल्युमिनियम कहता है मैंने तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाना, कहता क्यों नहीं बनाना, कहता मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, तुम्हारे पास कोई दोस्त आ गया, चल कोल्ड ड्रिंक में नहीं चले, मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं पिलाऊंगा यार, तो चल तो सही देगा ना पक्का, दूंगा चल भैया पी के आ जाते हैं, ऐसे ही एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, एल्युमिनियम के पास तो है नहीं, क्लोरीन भाई साहब रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, 7 अपने 1 -8, 8 में से 2 दे भी देगा तो क्या फर्क, वो जलपड़ा बॉन्ड बनाने के लिए उसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, एल्युमिनियम को दे दिया, एल्युमिनियम का दे दे लोन पेयर, उसने एक्सेप्ट कर लिया लोन पेयर, बॉन्ड बना लिया, अब जब बॉन्ड बना लिया अब कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, शेप क्या हो गई, बोलिए सर क्या नहीं सर, लाउडली बोलिए सर, तो पढ़े पढ़े चल जो थोड़े के 6 के 6 यूज ही करने, तो भैया तेरी जेब में 100 रुपए, तूने अपने दोस्त को कहा चल कोल्ड ड्रिंक भी क्या आते हैं, क्या चल 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली, 20 की उसने भी, 20 की तूने पी ली, अब धक्का है कि 60 भी यूज करने, बच नहीं आते कई बार, सारे उड़ा के आता है,
है? नहीं, अपनी अपनी आदत है, बेचारा क्लोरीन तुम्हारे जैसा नहीं है, क्या करें? बोल लेसन बेटा, जो क्वेश्चन दिया हम उसको फोकस कर। वैसे बता रहा हूं, क्लोरीन एक लोन पेयर देने के बाद दूसरा लोन पेयर नहीं देता, वो ओवर क्राउडेड हो जाता। अब वो इसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है या किसी को भी पिला रहा है, एक और आ गया मुझे पिला दे, चल यार कि तुमको पिलाऊंगा मैं भाई, एक ही को पिला रहा है मैं तो, होता है कि नहीं? ओवर सर, तेरे पास अभी 60 रुपए और पड़ेंगे, पिलाएगा तीनों को? सर हर बंदे की नेचर डिफरेंट है ना। क्लोरीन कैन गिव, चाहे उसके पास चार लोन पेयर है पर वो ज्यादा से ज्यादा एक ही देता है। हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट नाउ? वैसे बता दे भैया, निकाल के क्यों दिखाता है? 100 रुपीज है, एक पीओ आ गया मांगने वाला, भैया पैसे दे दो, तूने 10 रुपए निकाल के दे दिए, 9 और आ गए, दे देगा भैया? डोनेट इतने सर, डोनेशन की भी तो एक लिमिट है ना सर, ये थोड़ी है कि है तो सारे बांट दो, फिर तो तू भी देने के बाद तू भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा, अब मेरी बारी लेने की। तो लिसन, डोनेशन की एक लिमिट है, क्लोरीन कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर एट वन टाइम, इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। जो लोन पेयर देते हैं, प्लस टू का टॉपिक है, मैं समझाऊंगा तो फिर ऊपर से जाएगा। जो लोन पेयर देते हैं उन्हें बोलते हैं डेंटेट, उन्हें बोलते हैं लीजेंट। क्या बोलते हैं? ये मोनोडेंटेट है, ये एक बार में एक लोन पेयर देता है बस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब मोनोडेंटेट्स है। कितने लोन पेयर देंगे? चाहे हो जितने मर्जी, बात समझ आ रही है? तो इनके पास है पर वो देते नहीं है, पर देंगे एक ही। बोलिए, इज द क्वेश्चन क्लियर? लिखवाना है जल्दी करो, अभी और भी कराने हैं, जल्दी लिखो लिखो। AlCl3 has sp2 hybridized, so shape is triangular planar, angle 120 degrees. Next paragraph. Cl negative. Donates its lone pair. To the empty orbital. Of aluminium. As shown in the diagram, and shows hybridization of sp3, which is trigonal planar. sp3 is tetrahedral. Its angle is 109 degrees 28 minutes. लोन पे नहीं आया, चारों बॉन्ड है, ध्यान से देख कितने बॉन्ड है। ये नीचे ग्रीन वाला डायग्राम है, कहीं बॉन्ड पेयर दिखा? क्या एल्युमिनियम के पास कोई बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है? सर उसने जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉन्ड बन गया, अब वो लोन पेयर नहीं रहा, वो क्या बन गया? बॉन्ड पेयर। अब इसीलिए बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिकल डायग्राम है। बोलो क्लियर हो गया? नीचे लिखो नोट, टीचर को भी दे देना, क्या याद रखेगा टीचर? क्या नोट है? There is no change in the hybridization of lone pair donor. Hybridization will be changed. Hybridization will be changed for lone pair acceptor. बोलो समझ आया सर?
सर समझ आया है। yes, ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, लोकल मुर्गा है, क्या करें, केएफसी का समझ लेना। नहीं सर, इस क्वेश्चन में मैंने अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये तो खासियत है। देखो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो पढ़ो 26, इसके ऊपर लिख लो क्वेश्चन 25, ठीक है। अब 26 पढ़ो, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन द फॉलोइंग। ये आ गया। अब इधर दो हैं, BF3, एक तो है BF3, दूसरा NH3। एक दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, भाई साहब ने बना लिया, दोनों डॉट आ गया ना, बॉन्ड बन गया। अब समझो BF3, जो BF3 है उसमें सेंट्रल एटम कौन है, कौन है, और उनका नंबर सर देख लो, ऊपर से निकल जाएगा। 2s2 2p1 2s2 2p1 कितने अनपेयर्ड बॉन्ड, कितने बनाने हैं बॉन्ड, कितने बनाने हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे चले गया। जब ये आगे गया अब तीनों पे कौन आके लग गया, तीनों पे फ्लोरीन लग गया। ये S है और ये व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp2 शेप। एक पार्ट ये सॉल्व हो गया सर, तीन तीन क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर, जिस दिन आएगा 5 नंबर में आता पेपर उड़ा देता है। BF3 हो गया, एक क्वेश्चन पार्ट करता हूं। अब दूसरा पार्ट NH3, अभी हमने वैसे किया भी था NH3, पर दोबारा कर देते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3 ये तीनों पे क्या लग गया कि कौन, हाइड्रोजन यहाँ भी क्या लग गया, हाइड्रोजन यहाँ भी क्या लग गया, हाइड्रोजन बढ़ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 स्टेटर्ड, ये नाइट्रोजन के पास दो एम्पेयर है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया sp3, शेप इज डिस्ट्रॉक्टेड, यहां तक हो गया। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, BF3 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है सर, एक लोन पेयर देगा, दूसरा उसके लोन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में लेगा तो बॉन्ड बनाएंगे। अब ये BF3 भाई साहब है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये कौन है NH3 जिसके पास क्या है, इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, दे दिया। मैंने भी एक रूल लिखाया, लोन पेयर देने वाले की हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलती, लोन पेयर लेने वाले की हाइब्रिडाइजेशन बदलती है। लोन पेयर किसने दिया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगी, उसकी अभी भी क्या रहेगी, sp3 डिस्टॉर्टेड नहीं, अब वो लोन पेयर बॉन्ड बन गया, अब वो टेट्राहेड पूरा परफेक्ट टेट्राहेड बन चुका, क्योंकि वो लोन पेयर देके क्या बन गया, बॉन्ड। अब वो परफेक्ट क्या बन गया, सर उसने वैसे शेप कुछ ही नहीं, पंगा मत लो, पर वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो परफेक्ट टेट्राहेड है। किसने वो लोन पेयर एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट किया, एम्प्टी ऑर्बिटल में, अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, तो समझो BF3 जो था व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp2 What is the hybridization? NH3, sp3. After making a bond,
इट इज ऑल्सो एस पी थ्री एंड इट इज ऑल्सो बोलो समझ आया है दिल से मुझके था पेपर में आया कोई ला सकते सारी क्लास छोड़ गया है और एक क्वेश्चन नहीं है ध्यान से देखो तीन क्वेश्चन है डी एफ थ्री अलग क्वेश्चन है एन एच थ्री अलग क्वेश्चन है फिर छोड़ भी दिया उसे अरे पांच नंबर में डाल दे छह नंबर में डाल दे सारा पेपर उड़ा देता है क्वेश्चन टीचर ने फिर क्या कहना मैंने तो कहा से डाला समझ आया है कुदरत मीडिया समझ आया है जल्दी से उतार दीजिए कोगे तो लिखवा देते हैं BF3 has a hybridization of SP2 BF3 has a hybridization of SP2 triagonal planar triagonal planar NH3 has hybridization of SP3. Next paragraph. NH3 donates a lone pair donates a lone pair and BF3 accepts that lone pair to form coordinate bond. फिर वो नीचे वाला पैराग्राफ आ जाएगा लोन पेयर डोनर की हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती लोन पेयर रिसेप्टर की होती है वो लिख देना यहाँ पे और लिखो नीचे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनएच थ्री रिमेन सेम एज एस पी थ्री द हाइब्रिडाइजेशन of BF3 also become SP3 hybridization of BF3 also become SP3 in ये वाला molecule का नाम लिख दो F3B.NH3. बोलो सर समझ आ गया सर पक्का बोलिए आज जो कराया समझ आया कि मजा आया थोड़ी आवाज आ रही थैंक यू